हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टू नॉलेज। आज हम करने जा रहे हैं 13 दिसंबर 2019 के पार्ट टू के करंट अफेयर्स। तो स्टडी टू नॉलेज चैनल पे हम कवर करते हैं करंट अफेयर्स फॉर HPAS, HP एलाइड सर्विसेज, SSC, बैंक PO, क्लर्क, RBI, स्टेट PCS एग्ज़ाम के लिए। तो जो व्यूवर अभी स्टडी टू नॉलेज चैनल पे नए आए हैं, वे स्टडी टू नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आप लोग स्टडी टू नॉलेज चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्राप्त कर सकें और अपनी प्रिपरेशन में लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसरो हैज़ बिगन प्रेपरेटरी वर्क फॉर सेटिंग अप ए थर्ड रॉकेट लॉन्चमेंट इन द स्मॉल कोस्टल हेमलेट ऑफ कुलासेखरा पट्टिनम इन द थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। तो ये किया जा रहा है स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, तमिलनाडु। जो इसरो का जो दो लॉन्च पैड थे पहले, वो थे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर में। और जो इसरो के जो डायरेक्टर हैं वो हैं के सीवन जी, और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसरो इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल अभी कहाँ पे मनाया गया? तो ये मनाया गया है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। इसमें 1400 आर्टिस्ट पार्ट लेंगे और 151 आर्ट ट्रूप्स होंगे इसमें, 23 स्टेज के। और इसमें जो कंट्रीज होंगी वो श्रीलंका, बेलारूस, युगांडा एंड बांग्लादेश पार्टिसिपेट करेंगी। छत्तीसगढ़ के जो CM है वो हैं भूपेश बघेल, और यहाँ की जो गवर्नर, यहाँ के जो गवर्नर है वो हैं अनुसुईया हैं यहाँ के गवर्नर। US मैक्सिको एंड साइन USMCA डील। तो ये डील किसके किसके बीच में हुई है? ये हुई है US मैक्सिको एंड कनाडा के बीच में। ये एक रीजनल ट्रेड पैक्ट है। और जो नाफ्टा हुई थी, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो डील हुई थी 1994 में। दिशा बिल है जो 2019, इसको किस स्टेट ने अप्रूव किया गया है? तो पेविंग द वे फॉर अवॉर्डिंग द डेथ पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस ऑफ रेप एंड गैंग रेप। तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, आंध्र प्रदेश। इसमें जो वर्डिक्ट दिया जाएगा ट्रायल का, वो 21 डेज में के अंदर अंदर दिया जाएगा। जो CM हैं आंध्र प्रदेश के, वो हैं YS जगमोहन रेड्डी जी, और गवर्नर हैं बिस्वा भूषण हरिचंदन जी। अभी किसे टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया है? तो ये चुना गया है ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग हैं, ये हैं, इन्होंने जो फाइट क्लाइमेट चेंज के लिए जो फाइट की थी, फाइट फॉर फ्यूचर कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया था। तो ये थी स्वीडन की, और ये सबसे यंगेस्ट पर्सन बनी हैं जो जिनको टाइम्स मैगजीन ने ये अवार्ड दिया है गया है। और इस बार पहली बार जो अवार्ड की कैटेगरी है उसको बढ़ाया गया, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में दिया जाएगा। तो इसमें जो ग्रेटा थनबर्ग को क्लाइमेट एक्टिविटीज़ के लिए दिया गया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, और बॉब आइगर को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया, और द पब्लिक सर्वेंट को गार्डियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। जो युवा स्टेट वीमेंस नेशनल सॉकर टीम है, उनको एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। और जो मेलिसा जेफरसन है, वो सिंगर हैं, उनको एंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। विच टू प्लेयर वन द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एट फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड? तो ये जीता है रानी रामपाल और सौरभ चौधरी ने। जो रानी रामपाल है, ये हैं इंडिया की वीमेंस हॉकी की कैप्टन, और जो सौरभ चौधरी हैं वो हैं पिस्टल शूटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, पिस्टल शूटर। विच स्टार्टअप कंपनी हैज़ वन द स्पेस ऑस्कर अवार्ड? तो जो स्पेस ऑस्कर अवार्ड है, इसको कॉपरनिक्स मास्टर अवार्ड भी बोलते हैं। तो ये जीता है ब्लू स्काई एनालिटिक्स ने, फॉरेस्ट ऐप जूरी। तो ये जो प्रोग्राम है, इसको जो कंडक्ट करवाता है, वो करवाता है यूरोपियन कमीशन एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। द फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 हैज़ बीन अवार्डेड टू हूम अंडर द कैटेगरी ऑफ बेस्ट कैंपेनिंग कंपनी प्रमोटिंग स्पोर्ट्स? तो ये दिया गया है रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड को। जो फिक्की है, इसका जो पूरा नाम है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बना था 1927 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज़ डिक्लेयर मंगला एंड चट्टोग्राम एज पोर्ट्स ऑफ कॉल अंडर द कोस्टल शिपिंग अरेंजमेंट। तो ये पोर्ट कहाँ पर लाई करते हैं? ये लाई करते हैं बांग्लादेश में।
ये जो इंडिया के जो पोर्ट ऑफ कॉल हैं वो हैं कोलकाता, हल्दिया, पंडु, करीमगंज, सिलीगट असम में है, जो धुबरी असम में है। अभी फोर्स ने जो अपनी लिस्ट निकाली है मोस्ट पावरफुल 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन में, तो इसमें 34th रैंक इसका है। तो 34th रैंक है इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी। और जो रोशनी नादिर मल्होत्रा जी हैं, इनको इनका रैंक है 54। और जो करीन मजुमदार शाह हैं, इनका रैंक है 65। और जो नंबर वन पे है वो है जर्मनी की एंजेला मर्कल। तो इंटरनेशनल सेमिनार ऑन क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम फॉर बीमस्टेक कंट्रीज, ये कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। जो बीमस्टेक है इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और जो ये इस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था 6 जून 1997 को। इसमें जो मेंबर कंट्री हैं वो हैं बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। तो ये थे 13 दिसंबर 2019 के पार्ट 2 के करंट अफेयर। आई होप यू हैव लर्न अलॉट फ्रॉम दिस। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।